हेलो एवरीवन, तो मैं कैफ़े तक पहुंची थी आपको सिविल सर्विसेज एकेडमी दिखाते दिखाते, और मेरे इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को मेरे ख्याल में वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर मैं ये अपलोड कर लूँगी चैनल पे। सो दिस इज़ आर कैफ़े 24। ये 24th कॉमन के दो ऑफिसर्स ने बनाया था, हैंस इट्स नेम कैफ़े 24। ये बंद है, अदरवाइज़ आई वुड हैव शोन इट टू यू। अच्छा बना हुआ है। ये हमारे कैफ़े के साथ से रास्ता जाता है टूवर्ड्स द DG ब्लॉक, तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की अच्छी मेमोरीज हैं बिकॉज़ आई हैव बीन गुड इन स्पोर्ट्स यहाँ पे। तो बैडमिंटन खेला था, बैडमिंटन के फाइनल तक नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन बाकी ओवरऑल स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वेल, दैट वॉज अ हिडन टैलेंट जो कि CSA ने मेरा एक्सप्लोर करवाया। शुरू से वीडियो में क्या बातें हुई वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो एंड होगी और उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो मैं प्रॉब्ली फिर चैनल से डिलीट कर दूँगी। मैं कुछ टाइम के लिए बीच में गायब हुई हुई थी फॉर द रीज़न के माई फादर वॉज नॉट वेल एंड ही हैड अ सर्जरी, तो आई हैड टू गो देयर। फिर वापस आके प्रेजेंटेशंस में बिज़ी हो गए। आज मेरी प्रेजेंटेशन हो गई तो मैं फ्री हो गई, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये लाइव कर लेती हूँ। तो बिज़ी होने की वजह से मुझे सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ा, क्लासेस वगैरह, बैच स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश ऐसे के लिए, ऐसे और प्रेसी दोनों के लिए, वो पोस्टपोन करना पड़ा। वो अब कल से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस इंशाल्लाह। और बाकी 5 बजे मुझे लाइव आना चाहिए था, क्योंकि अभी इसके आगे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी शायद वो आप लोगों को इतनी अच्छी दिखे नहीं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द DG ब्लॉक क्योंकि धूप इसके ऑपोजिट आ रही है, लेकिन सिंस आई हैव टू गो समवेयर तो मैंने सोचा मैं अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आप लोगों को एकेडमी दिखाने के चक्कर में मुझे खूब प्यास लग जाएगी, पर इट्स ओके। आई थिंक यू कैन सी दैट इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। दिस इज़ द DG's ब्लॉक। अंदर भी चलेंगे, पहले मैं आपको जिना हॉल दिखा के फिर वापस आती हूँ। सो आई थिंक आई शुड वॉक अ बिट फास्ट ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बोरिंग ना हो जाए। वैसे मैं लाइव आती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों से साथ साथ बातें करने का, सिंस आई गेट कॉमेंट्स, तो साथ साथ उनके रिप्लाइज़ भी कर देती हूँ मैं। बट सिंस वो नहीं चल पाई लाइव वीडियो, तो फिर यही बेहतर है कि मैं वैसे इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो आई ट्राई टू कीप इट ब्रीफ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू द अकेडमी। मैं पहले हॉस्टल वाली साइड गई थी, अभी वापसी भी उधर चली जाऊँगी। वैन आई विल बी गोइंग टू माई रूम। दिस इज़ आवर जिन्ना हॉल, और जिन्ना हॉल के पास से ही होते हुए हम लोग DG ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हाँ, दैट वुड बी बेटर। यहाँ पे हम लोगों के फंक्शंस होते हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करती रहती थी, कल्चरल नाइट्स की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह, वो हमारी यहाँ पे हो रही होती थी। एट टाइम्स यहाँ पे हमारी क्लासेस भी होती हैं। दिस इज़ द DG's ब्लॉक। यहाँ पे आने का मेरा मकसद बेसिकली आपको ये दिखाना था, ये लोगो जिसके सामने फ़ोटो लेने का हर किसी का एक ड्रीम होता है। आई विश कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सब यहाँ पे आ सकें, क्वालिफाई करें। सामने लॉन में शायद आपको हल्का सा नज़र आ रहा हो 50 लिखा हुआ है ज़मीन पे, ग्राउंड पे। हम लोगों की आज एरियल बैच फ़ोटो थी। आई थिंक आई स्टे क्वाइट, अजाने हो जाए। दिस इज़ द DG's ब्लॉक। ये रोड बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर की। और अभी जब तक मैं पहुँचूँगी दोबारा इकबाल ऑडिटोरियम या एकेडमिक ब्लॉक तक, जो कि मैंने पहले दिखा दिए थे, तो वो आगे नज़र आ रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई थिंक आई बेटर पॉज इट और मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फ्लैग स्क्वायर है, यहाँ पे जब हम पहले दिन आए थे तो फ्लैग होस्टिंग हुई थी। ओ गॉड, टाइम फ्लाइज। वो पहला दिन था और अब
इट्स द लास्ट फ्यू डेज. दिस इज़ आर मेहरान ब्लॉक. कैफ़े की बैक साइड भी यहीं पर आके खुलती हैं. देर आर ऑफिसेज. आप लोग जो मुझे मॉक्स चेक करने के लिए भेजा करते थे वो यहीं पर आते थे. मैं यहाँ से आके रिसीव किया करती थी. मॉक से मुझे याद आया मेरा कल से इंग्लिश एस प्रेसी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट करना था, लेकिन मैं फादर की इलनेस की वजह से नहीं कर पाई थी. सो हम तकरीबन मैं एकेडमिक ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन एक और मस्जिद में अजान शुरू हो गई है. जी तो अजान हो गई है. दिस इज़ अर एकेडमिक ब्लॉक. यहाँ पे हम लोगों के 6 ग्रुप्स के अलग अलग से क्लासरूम्स बने हुए हैं, और हम लोगों की जब ग्रुप में क्लासेस होती थी तो यहाँ होती थी, अदरवाइज़ जब सेंट्रल क्लास होती थी सबकी इकट्ठी तो वो यहाँ पे हुआ करती थी इकबाल ऑडिटोरियम में. एंड एट टाइम्स वी यूज़ टू हैव अवर टी ब्रेक हियर इन दिस लॉन. ब्यूटीफुल इज़न्ट इट. मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको अकेडमी कैसी लगी. वैसे आई हैव प्रेड कि आप लोग भी आएँ. और नाउ मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड वाली साइड नहीं गई. मस्जिद मैं पिछले लाइव में दिखा चुकी थी, लेकिन वो लाइव एंड हो गया. वो सामने मस्जिद है और उधर कैफ़े है जहाँ से मैंने ये वाली वीडियो दोबारा स्टार्ट की है. ग्राउंड वाली साइड में नहीं जा सकी फॉर द रीज़न के काफ़ी दूर है, और अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहाँ जाऊँ. सो ये एकेडमिक ब्लॉक ही की बैक साइड है, और ऑफिसेज की तरफ जा रही है, एडमिन ब्लॉक की तरफ, और हमारे हॉस्टल्स की तरफ भी. ये सामने हमारा मेस है, और यहाँ से अफ्तारी बनने की खुशबू आ रही है. वो सामने स्क्वॉश कोर्ट है और टेनिस कोर्ट्स हैं. हाँ, दिस इज़ वेयर आई प्लेड द टेनिस फाइनल एंड लॉस्ट इट. एनी वे, यहाँ पर आके पहली दफ़ा टेनिस का रैकेट उठाया था. ये हमारे SDGs लगे हुए हैं क्यारियों में, जिनके बारे में हमारे XDG बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हुआ करते थे. हमारे SDGs. सो दिस इज़ बेसिकली आर SDG बुलेवर्ड एंड दैट्स द मेस डाइनिंग हॉल एज यू कैन सी. और उस तरफ जाएंगे हम तो ऑफिसेज के बाद हॉस्टल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे बिकॉज ये जगह ज़्यादा खूबसूरत है. और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लाइब्रेरी वाली साइड. चलें, गार्ड की वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दी थी. और इस साइड से मैं अपना लाइव स्टार्ट किया था बेसिकली, अब मैं इधर से ये वीडियो एंड करने वाली हूँ. वैसे तो अच्छा चलता है मेरा इंटरनेट, आई डोंट नो आज क्यों नहीं चला. दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, जहाँ पे हम लोगों को शुरू में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा होता था शाम को स्टडी टाइम के लिए. अदरवाइज़ मेरा तो इस तरफ बहुत कम आना हुआ है. आई डोंट नो, देयर वर प्रोबेशनर्स हु यूज्ड टू कम टू द लाइब्रेरी टू. मुझे ये रोड बहुत पसंद है. दिस लीड्स टू आवर हॉस्टल, और दिस इज़ ब्यूटीफुल, लाइक बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जब बारिश होती है. एंड अल्लाह ताला हैज़ बिन सो काइंड. रमज़ान में बारिश हो रही होती थी और मौसम बड़ा अच्छा रहा. आज गर्मी है तो ये बारिश के बाद बहुत खूबसूरत लगता था. बॉयज़ के हॉस्टल्स जिन्ना हॉल की बैक साइड पे बनते हैं, तो उस तरफ वी आर नॉट अलाउड टू गो, मैं नहीं गई. और फीमेल्स के हॉस्टल्स यहाँ पे हैं, और हमारे हॉस्टल वाली साइड वैसे सबसे ज़्यादा अंडर डिवेलप्ड एरिया ऑफ द एकेडमी है. लेकिन चलें कोई नहीं, आपको दिखा देते हैं. वीडियो भी मेरी 9 मिनट से ऊपर की होगी, तो आई थिंक आई जस्ट गिव यू दूर से ही हॉस्टल का एक लुक, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग एनी फीमेल ऑफिसर इन टू द वीडियो. सो ये है हमारे हॉस्टल्स, और वो सामने गार्ड के पीछे मेरे रूम की खिड़की नज़र आ रही है. चले, आई होप यू लाइक द टूर. डू टेल मी इन द कॉमेंट्स. एंड फाइनल अनाउंसमेंट फॉर द बैच, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रजिस्टर्ड, व्हाट्सएप ऑन 0321982529. द क्लासेज बिगिन टमोरो ऑन जूम एट 10:30 PM इंशाल्लाह. आई होप यू लाइक द वीडियो. बाय.